में सत्तारूढ़ कांग्रेस के इंदौर में पूर्व विधायक रहे और लोकसभा का चुनाव लड़ चुके सत्यनारायण पटेल ने इंदौर की SSP रुचिवर्धन मिश्रा के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे इंदौर के लायक नहीं है, उन्हें यहां से तत्काल हटाने के लिए कल ही CM कमलनाथ से बात करूंगा। देखे वीडियो में पटेल ने किस कदर नाराजगी जताते हुए इंडो SSP को लेकर क्या कहा। सूत्रों के अनुसार ट्रक चोरी के एक प्रकरण में पटेल से एक TI व SSP से हुई कहासुनी के बाद यह स्थिति बनी है। हमने कुछ शिकायत आपके माध्यम से जो हुई थी उसमें कुछ निराकरण नहीं आया, तो उसको लेकर किस तरह का क्या पूरा मामला है? मैं पूरा मामला बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात जो कर रहा हूँ, एक प्रजातांत्रिक देश के एक नागरिक की हैसियत से, भारत के नागरिक और संविधान की हैसियत से SSP से मैं कभी भी, जैसे प्रायः मैं हर जगह किसी भी अधिकारी से और किसी व्यक्ति से बगैर समय लिए नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे सिस्टम शुरू से बनाया है। किसी की भी बहुत इमरजेंसी हो तो फ़ोन पे बात करता हूँ, नहीं तो मैं समय लेके ही जाता हूँ। तो मैंने DIG से एक दो बार पहले भी समय लिया, तो एक दिन DIG ने SSP मैडम रुचिवर्धन जी, तो इनसे समय लिया, तो एक दिन भी मैंने 50 लोगों को फ़ोन कर दिया, भाई आप सबको मिलना है, अलग अलग लोगों के, हम हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार मिलता, तो उस दिन भी मैडम चल दी। तो मैंने फ़ोन पे उस दिन भी मैडम से निवेदन किया, मैंने कहा मैडम कि मैं थोड़ी इमरजेंसी भूल गई, मैंने कहा ठीक है आप भूल गए, कभी कभी हो जाता, मानवीय स्वभाव है, हम भी भूल जाते हैं, उसको हमें स्वीकार करता, लेकिन मैंने कहा कोई एक सिस्टम बना दो जिससे कि आपके यहाँ हम समय पूछ लें, जिससे आपके यहाँ समय मिल जाए। और क्या लाइन ऑर्डर के मामले में, मैंने कहा मैडम लाइन ऑर्डर तो मैं इंदौर का इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक की स्थिति जानता हूँ और एज ए पुलिस जवान की हैसियत से लेकर DGP तक की हैसियत जानता हूँ, ये मैंने फ़ोन पर उनसे निवेदन किया।